अस्सलाम वालेकुम, अखुवत न्यूज़ के साथ मैं हूँ सायरा सैयद। पेश हैं अब तक के हेडलाइंस। काबुल के अफगान मदारिस के डायरेक्टर रहीमुल्ला हक्कानी खुदकश धमाके में जा बहक हो गए। अफगान खबर एजेंसी के मुताबिक किसी ग्रुप ने ताहाल धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। धमाके में होने वाली अमवात की तादाद भी मालूम नहीं हो सकी। भारतीय फौज ने 24 घंटों के दौरान 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों की शहादत के बाद अवाम के एहतजाज के पेश नजर काबिज भारतीय फौज बडगाम को छावनी में तब्दील किया हुआ है और वहां पर मुहासरा करके मकीनों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद की हुई है। मकबूजा कश्मीर के अजीम रहनुमा शेख अब्दुल अजीज शहीद की 14वीं बरसी मनाई गई। भारतीय फौजों ने शेख अब्दुल अजीज को 11 अगस्त 2008 को उस वक्त गोलियां मारकर शहीद कर दिया था जब वो जम्मू के हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से वादी कश्मीर की इक्तसादी नाकाबंदी के खिलाफ एक बड़े जुलूस की क्यादत करते हुए आजाद कश्मीर की तरफ मार्च की क्यादत कर रहे थे। पाकिस्तानी हीरो अब्दुल गफूर से मिलना एजाज की बात है। शेख हमदान बिन मोहम्मद दुबई के वली अहद ने सीमेंट ब्लॉक हटाने की वीडियो वायरल होने पर पाकिस्तानी शहरी का शुक्रिया अदा किया। चंद रोज कबल अब्दुल गफूर ने दुबई के इलाके अलकोज में शाहरा पर बड़े सीमेंट के 2 ब्लॉक हटाए थे। लबनान में रकम ना देने पर मुसल्ला शख्स ने बैंक अमले और सारफीन को यरगमाल बना लिया। जारी मालियाती बहरान की वजह से बैंकों ने रकूम मंजमद करते हुए अपने सारफीन को महदूद रकम निकालने की इजाज़त दे रखी है, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मिस्र में कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए सऊदी ताजिर मोहम्मद अल कहतानी अचानक बेहोश हो गए और गिरने के कुछ ही देर बाद हलाक हो गए। अल कहतानी असलाम होल्डिंग कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन थे और खैर जगाली सफीर के तौर पर कई एजाजी ओहदों पर फायज रहे। न्यू मेक्सिको में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 मुसलमानों का कातिल गिरफ्तार। मुलजमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुलजिम के घर पर छापा मार कर शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तारी मुस्लिम कम्युनिटी की मदद से की गई। मुलजिम मुजरमाना रिकॉर्ड का हामिल है और घरेलू तशद्दुद के वाक़े में भी मुलव्वस रहा है। अहले फलस्तीन पर जुल्म आखिर कब तक? इसराइली जारहियत जारी। 16 फलस्तीनी बच्चों समेत 29 अफराद शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। और मेरा बयान पार्टी पॉलिसी से हटकर नहीं, शहबाज गिल का इतराफ, मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित नहीं हुआ, रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भिजवा दी गई। शहबाज गिल का बयान पीटीआई का बयान या नहीं है फवाद चौधरी का बयान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अखुवत न्यूज़।